हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष मैथो और आज की इस वीडियो में हम लोग AMNS डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो मतलब इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कि ट्रेनिंग पीरियड कितने टाइम का होता है, ट्रेनिंग में आपको कितना सैलरी मिलेगा, बेसिक फैसिलिटीज क्या क्या होता है, इसमें आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, सब कुछ इसमें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो AMNS इंडिया के बारे में तो आप लोगों को बहुत पता ही होगा। तो पहले तो ये AMNS जो आर्सेलर मित्तल ये है, ये फॉरेन कंपनी है और निपॉन स्टील ये भी फॉरेन कंपनी है, लेकिन ये दोनों इंडिया में साथ में आके एक कंपनी बनाया जिसका नाम है AMNS इंडिया। तो वो फिर ये मतलब कुछ साल पहले जो जीरा पे प्लांट था SR स्टील, वो बैंकक्रप्ट हो गया था। तो ये दोनों कंपनी आया, फिर उसको खरीद लिया, फिर अक्वायर कर लिया उसको, फिर अब AMNS इंडिया नई कंपनी फॉर्म हो गई। बाहर में भी है कंपनी, सिर्फ इंडिया में नहीं है, लेकिन इंडिया में SR स्टील को खरीदने के बाद वो लोग इंडिया में भी अब अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो ये कंपनी मतलब अपने आप का भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है और ये मतलब वर्ल्ड का टॉप कंपनी में आता है प्रोडक्शन में। बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो वो सिंपली ये हर साल हर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाता है रिक्रूटमेंट के लिए कैंपस में। पहले तो टेस्ट होता है, टेस्ट में जो क्वालिफाई हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद फिर मतलब नॉर्मल मेडिकल होता है। उसके बाद मतलब ज़्यादातर को जीरा में जो स्टील प्लांट है वहाँ पे सबको जाना पड़ता है। तो अप्लाई कैसे करते हैं, अगर आपका कॉलेज में अगर ये आपका नहीं आया है तो आप इसका करियर पेज पे भी जाके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका करियर पेज पे जाइएगा, थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिप्लोमा इंजीनियर। वहाँ पे आपको और भी डिटेल्स मिल जाएगा, अगर आपका कॉलेज में नहीं आया तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको और भी डिटेल्स पता चल जाएगा कि क्वालिफिकेशन क्या क्या है, क्वालिफिकेशन मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो डिप्लोमा तो होना चाहिए आपका, कौन कौन सा ब्रांच है फिर वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ डिप्लोमा जो होना चाहिए आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल, सिविल, सिरामिक, माइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, फिर कंप्यूटर साइंस है और लिखा हुआ अदर ब्रांचेस भी। यहाँ से मतलब आप अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा हायरिंग में थोड़ा टाइम हो सकता है, ज़्यादा लग जाए, लेकिन अगर कैंपस में आ रहा तो आप वहाँ से अप्लाई करो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब उसके बाद फिर एलिजिबिलिटी में, और अगर आपका डिप्लोमा है वो 60% से आप पास होना चाहिए। उसके बाद जो पास आउट ईयर है वो अभी 2023 है और 22 है, 21 है, तो मतलब लास्ट टू ईयर को भी ये कंसिडर करता है। तो मिनिमम एज आपका 18 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 22। 22 आपका क्रॉस हो गया तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद फिर इसका बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो इसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड तो 4 साल का होता है, तो इसमें 4 साल के ये में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है ट्रेनिंग के टाइम वो देख लेते हैं। उसके बाद बेनिफिट्स के बाद हम लोग देखेंगे कि सैलरी कितना मिलता है। तो इसमें आपको तो अकोमोडेशन मिल जाएगा, जिसमें कि आपको एक फ्लैट दिया जाएगा, मतलब आपका रूममेट्स भी एक या दो रहेगा फ्लैट के अंदर, आपका सब कुछ रहेगा, टेबल, बेड, चेयर, ये सब, टीवी, एसी, फ्रिज, सब कुछ रहेगा। फिर मतलब गर्ल्स के लिए अलग फ्लैट होता है जो, और बॉयज़ के लिए अलग फ्लैट होता है, पूरा फ्लैट ही अलग होता है बैचलर्स के लिए, मतलब इसलिए कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट मिलने वाला है आपको आपका अकोमोडेशन से आपका स्टील प्लांट तक। उसके बाद आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, मेडिकल और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो होता है वो। अब फूड का बात करें तो फूड फ्री नहीं है, ये सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा कैंटीन में। तो फिर वहाँ से आप मतलब पे करके खा सकते हैं, जो कि मिनिमल कॉस्ट होगा, मतलब मार्केट से बहुत ज़्यादा मिनिमल होगा। लेकिन अगर आपको वहाँ का फूड पसंद नहीं आता तो आप अपना खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर तो मतलब इंडक्शन ये सब लेके खुद भी अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मतलब कैंटीन का खाना अगर पसंद नहीं आता तो। बेनिफिट्स और फैसिलिटीज हो गया। उसके बाद फिर देख लेते हैं कि सैलरी क्या मिलने वाला है। तो जैसे कि ये ट्रेनिंग 4 साल का ट्रेनिंग है और हर साल आपका एक एग्ज़ाम होगा, मतलब बीच बीच में एग्ज़ाम होते रहेगा, उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है तब आप नेक्स्ट ईयर में जाइएगा। उतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन मतलब आप ट्रेनिंग में क्या सीख रहे हैं वो तो आपको टेस्ट में, मतलब इसलिए टेस्ट लिया जाता है कि आप ट्रेनिंग मतलब कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं, या 4 साल बस ऐसे ही जा रहे आ रहे और मतलब टाइम पास कर रहे हैं। ट्रेनिंग पीरियड 4 साल का है, तो इसमें हर साल एक मतलब टेस्ट होगा, जिसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कीजिएगा तो समझिए फिर 1 साल आपका रिपीट हो जाएगा, वो आपका ट्रेनिंग पीरियड मतलब बढ़ भी सकता है। तो 4 साल का ट्रेनिंग पीरियड है तो 4 साल मतलब सैलरी भी बढ़ता है। अगर आप एग्ज़ाम में अगर क्वालिफाई नहीं होइएगा तो सैलरी भी आपका उतना ही रहेगा, वो भी इंक्रीज़ नहीं होगा। तो अब सैलरी का बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको 15K मिल जाएगा, उसके सेकंड ईयर में 18K, उसके थर्ड ईयर में 21K, उसके फोर्थ ईयर में 24K। 4 साल का ट्रेनिंग खत्म करने के बाद अपना डिप्लोमा इंजीनियर बन जाइएगा। उसके बाद आपका CTC 5.5 LPA के अराउंड होगा आपको, मतलब और थोड़ा फैसिलिटीज ये सब भी आपको एक्स्ट्रा मिलने लगेगा।
तो इसका वैसे AMNS का टाउनशिप पूरा बना हुआ है, वहाँ AMNS इंडिया का पूरा टाउनशिप बना हुआ है हजीरा में। तो आपको टाउनशिप में ही रहना है और टाउनशिप से फिर आपको स्टील प्लांट जाना है। इस वीडियो में ये तो बता दिया आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो आप जाके अप्लाई कर दो अभी भी। मतलब ये हमेशा ये करियर पेज पे तो ये हमेशा ओपन रहता है, तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। तो वैसे और कैंपस में तो ये हर साल मतलब 5th सेमेस्टर के आसपास आता होगा। किसी का कैंपस में नहीं आता तो वो करियर पेज पे जाके अप्लाई कर दो। बाकी अगर कुछ अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो या क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में। तो और जो भी कमेंट्स आएगा उसको मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई कर दूँ, या फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे।